राफेल डील मामले में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग से सोमवार को मुलाकात की और एक मेमोरेंडम दिया। कांग्रेस की मांग है कि सीवीसी राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार की स्वतंत्र जांच कराए। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गो न्यूज संवाददाता आदेश रावल। कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन आज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से दिल्ली में मुलाकात करने आया, जिन्होंने शिकायत की कि राफेल जो डील हुई है उसमें एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। देखिए तस्वीर में नजर आएगा आपको कि अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद, जयराम रमेश, विवेक तनखा, प्रमोद तिवारी, रणदीप सुरजेवाला, मनीष तिवारी, ये एक डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का है जो एक हफ्ता पहले सीएजी से मिला था और अब आज सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से मुलाकात कर और एक मेमोरेंडम सबमिट किया है, क्योंकि सीवीसी और सीएजी के पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी एक जांच करके और पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट करें, बताए कि क्या सही में इस स्कैम में या इस डील में घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। जो भी अपराधी हैं, जिन लोगों ने ये किया है, सीवीसी का दायित्व है कि सारे फाइलें उनको जब्त करें, सारे कागज, क्योंकि आशंका ये है कि जिस सरकार ने इतना बड़े ये घोटाले हुए हैं, इतना बड़ा घोटाला किया है, उसको ये स्वरूप दिया है, वो कहीं कागजात खराब ना करें, फाइलों को नष्ट ना करें, इसलिए सीवीसी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो फ्रांस की जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें सिर्फ डसोल्ट के साथ रिलायंस का समझौता करने के लिए कहा गया था। तो ऐसे में कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया था प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कि जो चौकीदार हैं वही इसमें भागीदार हैं और उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट है। तो इन तमाम एलिगेशंस के चलते आज सीवीसी के साथ मुलाकात दिल्ली में कांग्रेस के डेलीगेशन ने की है। इससे पहले सीएजी से मिले थे। कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि सीवीसी और सीएजी के पास संवैधानिक अधिकार है कि वो किसी मामले की जांच करके संसद में रिपोर्ट सबमिट कर दे। कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि इस पर एक जेपीसी बनाई जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, ताकि उसकी जांच हो सके। यानी 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस राफेल को एक बड़ा मुद्दा बनाकर दिखाना चाहती है, चलाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये भी सवाल पूछ रही है कि यूपीए के समय में जो डील हुई थी उस वक्त 526 करोड़ का राफेल जहाज था, इसका रेट अब बढ़कर 1670 करोड़ हो गया है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें। दिल्ली से आदेश रावल, को न्यूज़।